अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज नाइन्थ क्लास के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट याद रखें डियर स्टूडेंट्स। ये वो एक्सरसाइज है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है एनुअल एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं, आपके सामने है जी, गिवन हमें 243 होल की पावर जो है वो -2/3 है, 32 होल की पावर -1/5 है, और आवर में ये स्केयर रूट है, स्केयर रूट के इनटू में है 196, और इसकी पावर जो है वो -1 है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन और यहाँ पे इक्वल। अब ये स्टूडेंट्स इसको फैक्टराइज करते हैं, ये देखें मैं रफ पे कर रहा हूँ 243, इसको फैक्टराइज करूँगा 3 8 टाइम 3 1 टाइम 3 2 टाइम 6 2 21 3 7 टाइम 3 9 टाइम 3 3 टाइम 9। तो यहाँ पे लिखूँगा 3 क्रॉस 3 1 2 3 4 5 5 टाइम लिखूँगा 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 1 2 3 4 5, और पावर इसकी सेम यूज़ करूँगा -2/3 मल्टीप्लाई करूँगा 32। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 2 टू टाइम 4 4 टू टाइम 8 8 टू टाइम 16 16 टू टाइम 32, और इसकी पावर यूज़ करूँगा -1/5, और आवर में डियर स्टूडेंट्स 196 को फैक्टराइज करूँगा तो ये आएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस 7। अब -1 इसकी पावर है, और स्केयर रूट को मैं स्किप कर रहा हूँ, और यहाँ पे स्केयर रूट को स्किप करने के बाद इसकी पावर यूज़ कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई 1/2 के साथ। अब ये स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 3 जो है वो 5 टाइम है, तो यहाँ पे लिखूँगा 3 की पावर 5, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा -2/3 के साथ, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 2 3 4 5 लिखूँगा क्योंकि 5 टाइम है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर दूँगा इसकी पावर के साथ -1/5 के साथ। और डियर स्टूडेंट्स आवर में 2 की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि 2 टाइम है, 2 की पावर 2, और मल्टीप्लाई 1 1 1 ± -, तो ये मैं लिख दूँगा -1/2, और क्रॉस 7 2 टाइम है 7 की पावर 2, और मल्टीप्लाई -1/2। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये 5 से कैंसिल है, ये 2 2 से कैंसिल है, ये 2 2 से कैंसिल है, तो इस तरह हमें जो गिवन होगा वो मैं आगे लिख रहा हूँ, आपने आगे लिखना, आपने नीचे लिखना है, जगह ज़रा कम है इसलिए मैं इसको आगे लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 3 की पावर, ये देखें पहले तो बात है माइनस पावर में आएगी, ये माइनस है, तो 5 को मल्टीप्लाई किया किस से, 2 से, तो ये आ जाएगा 5 2 टाइम 10/3, और क्रॉस किसे, ये देखें 2 और 2 की पावर -1, ये हमें मिली है। अब डियर स्टूडेंट्स देखें ज़रा आवर में क्या आएगा, 2 की पावर -1 और क्रॉस 7 की पावर -1, ये स्टूडेंट्स सेम है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, और यहाँ पे नीचे लिखूँगा अब ये 7 जो है इसकी पावर माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए 7 ऊपर ले जाऊंगा, और 3 जो है इसकी पावर जो है वो प्लस करने के लिए आवर में ले आऊंगा। अब ये स्टूडेंट्स इसको मैं फिर से आगे लिख रहा हूँ, अब ये देखे ज़रा 7/3 10 क्रॉस 1/3, अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 आता है, और 3 सेम है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखा है। अब मैं देखता हूँ, लिखता हूँ जी 7/3, अब ये देखें डियर स्टूडेंट्स ये 3 जो है वो 10 टाइम है, तो मैं भी इसको 10 टाइम लिखूँगा ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए, सिर्फ आपको समझ आने के लिए, 2-3 तरह से कर सकते हैं लेकिन इस तरह मेरा ख्याल है कि आपको अच्छी तरह समझ आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखें ये 10 टाइम है, तो मैंने 10 टाइम लिखा और इसकी पावर लिखी होल की पावर 1/3। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा 7/3, ये देखें ये
3 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दिया 1 ओवर 3 के साथ, इस पावर के साथ। अब ये देखें 1 2 3 फिर से 3 की पावर 3 लिखी मल्टीप्लाई कर दिया होल की पावर के साथ, उसके बाद फिर से लिखा मल्टीप्लाई 3 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 के साथ, और अब 1 3 बचा है तो 3 1 लिखेंगे नहीं तो 1 ओवर 3 ये पावर यहां पे यूज कर देंगे। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 ओवर 3 3 टाइम 9 9 3 टाइम 27 और 3 की पावर आ जाएगी 1 ओवर 3। अब डियर स्टूडेंट्स ये मैंने जो स्टार्ट पे रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया था तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 7 ओवर 27 और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको रेडिकल फॉर्म में लिखता हूँ, ये जो 3 है यहाँ पे आ जाएगा ये क्यूब रूट बन जाएगा और यहाँ पे 3 जो है यहाँ, तो ये इसका सोल्यूशन है। चलते हैं फिर से वापस स्टार्ट पे, तो ये हमें गिवन इक्वेशन है तो इसको मुताबिक हमने इसको फैक्टराइज किया, इसके फैक्टर आए जो 3 है वो 5 टाइम आए और 32 का जो फैक्टराइज किया तो ये 2 जो है वो 5 टाइम 96। ये रेडिकल फॉर्म को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है और इसकी पावर यूज़ की है 1 ओवर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये मैंने 5 टाइम लिखा है, ये देखें 5 टाइम और ये 2 जो है ये भी 5 टाइम लिखा है ये, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2 ओवर 3 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है पावर को मल्टीप्लाई कर दिया है माइनस 1 ओवर 5 के साथ, और 196 के जो फैक्टर आए हैं वो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस 7 है तो 2 2 टाइम है तो 2 टाइम लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 1 ओवर 2 के साथ, 7 2 टाइम है तो इसको मैंने भी ऐसे ही लिखा है। तो अब इसको कैंसिल किया तो हमारे पास ये फॉर्म बनी, तो ये माइनस में था 7 इसको ऊपर लेके और इसको प्लस कर दिया और इन दोनों की मैंने इनको चेंज किया है ताकि इनकी जो पावर है वो प्लस में कर दूँ। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें ये 10 ओवर 3 आता है तो 10 क्रॉस 1 ओवर 3 तो इसके इक्वल है तो 3 को 10 टाइम लिखा ताकि आपको समझ आ जाए और इसकी पावर देख दी होल में 1 ओवर 3, और अब इसको देखें 1 2 3 ये 3 की पावर 3 लिखी इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ सेम इस तरह करते हुए हमें जो गिवन हुआ वो हमें जो फाइंड हुआ वो 7 ओवर 27 क्रॉस 3 की पावर 1 ओवर 3, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको रेडिकल फॉर्म में लिखा तो ये हमारा आंसर। डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज बहुत अहमियत की अमल है, इसको गौर से समझिएगा, अगर कोई मुश्किल हो तो लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखें, खुश रहें।